12th क्लास आज आप विकास का संक्षिप्त विवरण के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जीव का विकास हुआ है। आप पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं, उसी को यहाँ हमने दर्शाया है। तो आप देखेंगे लगभग वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ना जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप की उत्पत्ति हुई। हमने कहा कोशिकीय रूप की उत्पत्ति हुई, एक कोशिकीय नहीं बल्कि कोशिकीय रूप की उत्पत्ति हुई, जो आप जब पाठ शुरू किए थे ना तो हम आपको बतलाए थी। तो उसी से फिर एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। आप जैव विकास के प्रमाण में भी वर्गीकरण का उदाहरण देकर के हमने आपको स्पष्ट रूप से बतला दिया था, इसलिए यहाँ उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। और बहुकोशिक जीव से क्रियाशील और अकशेरुकी, क्योंकि जब आप वर्गीकरण पढ़े होंगे जीवों का वर्गीकरण जंतु का वर्गीकरण, तो पहले आपको आया होगा वैसा जीव जो अकशेरुकी है। जैसे आपने संघ पॉलीफेरा बहुकोशिक में शुरू किया होगा, सबसे पहला संघ था पॉलीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा अकशेरुकी ही है। फिर त्रिस्तरीय जब आया जीव तो गोठा प्लेटी हेलमेंथेस अकशेरुकी, अस्केल हेलमेंथेस, एनेलिडा, ये सब अकशेरुकी। आप कशेरुकी को कहाँ से अध्ययन किए होंगे? जब आप आए होंगे संघ कॉर्डिटा में, तब यानी बहुकोशिक जीव से क्रियाशील हमने इस